यहाँ पे आरएस चौहान जी को समझना है जुबिलेंट इंग्रीविया के बारे में। इन्होंने खरीद रखा है 515 के भाव पे, तो एक साल के नजरिए से इसमें क्या दिखता है? जुबिलेंट इन ग्रेविया, बीच में तो इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं थे, अभी का एक बार देख लें। जुबिलेंट इन ग्रेविया, अभी भी इसमें रिजल्ट्स में तो इम्प्रूवमेंट शुरू नहीं हुई है, और उसके अगेंस्ट वैल्यूएशन इसका है महंगा। इसके नंबर्स लंपी तो रहने चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, अभी वैल्यूएशन इसका काफ़ी हद तक फैक्टर्ड है जुबिलेंट इंग्रेविया का, तो आप इसे शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। एक साल के स्टैंड पॉइंट से इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इसमें आप डाउनसाइड ऑलमोस्ट रख लीजिए 460 के आसपास का, क्लोज है 500 का, तो आप इसमें 10 से 12% की डाउनसाइड को आराम से मान लीजिए। और अगले एक साल में इसका अपसाइड भी बहुत ज़्यादा नहीं रह सकता, 650-700 के आसपास का, 650 के आसपास का ही रहेगा, उससे ज़्यादा फिलहाल नहीं लगता है अपसाइड का। डाउनसाइड में इसका ज़रूर एक बार रिव्यू लीजिएगा, 460 के नीचे अगर गया तो एक बार रिव्यू लेना ज़रूरी है। अभी तक वॉल्यूम प्राइस इसके फेवर में है, रिजल्ट के नंबर्स उतने फेवरेबल मुझे नहीं लगते हैं वैल्यूएशन के अगेंस्ट, लेकिन वॉल्यूम प्राइस फेवर में है। 460 के नीचे रिव्यू करेंगे, अदरवाइज थिंग्स आर हंकी डोरी फ्रॉम प्राइस स्टैंड पॉइंट, वॉल्यूम स्टैंड पॉइंट, और 650 के आसपास तक भी आपको एक साल में देखने को मिल सकता है। जी, अब जिस तरह का इसका चार्ट है, मेरे मन में तो ये लालच आ रहा था कि एक कटोरी बना दे, लेकिन जो इसके नंबर्स हैं, ग्रोथ का जो हाल है, उसको देख करके मेरी हिम्मत नहीं हो रही कटोरी बनाने की। क्योंकि जहाँ पे आपका मुनाफा जो है, वो लग रहा है कि उल्टी वाली बस पकड़ के बैठ गया है। हाँ, चलिए, ये इसका मुनाफा रिवर्स गियर में जा रहा है। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि नंबर्स उतने कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं ना मुझे। अब जब आप नंबर्स ऐड करना अच्छा शुरू करें तभी कह सकते हैं कि यहाँ से आपको वैल्यूएशन मिलेगा और आगे जाके, क्योंकि ऑलरेडी आप प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड कर रहे हैं। जी, सेल्स स्टैग्नेंट है और मार्जिन लगातार घटता जा रहा है, जिसका इम्पैक्ट हमें लगातार घटते हुए मुनाफे में दिख रहा है। तो वैसे में बाजार भाव दे तो कैसे दे? नहीं दे पाएगा, अभी उतना नहीं मिलेगा, इसीलिए आप 550 से मैक्सिमम अगर बुल सिनेरियो आया भी मार्केट का तो 20% अपसाइड लगा लीजिए, तो 650 के ऊपर तो नहीं बनता ना।